Devendra Brahmachari ji. From a young age, he adopted renunciation and followed Lord Mahavir, motivational speaker and a social reformer. Uh, Swamiji, you have five minutes. सबसे पहले आज इस कार्यक्रम को आयोजित जिन्होंने किया है आई आर एस सी इतना सुंदर आज के समय में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो देश है जो लक्ष्य है जो भावना है और जो आयोजक हैं मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इतने सुंदर और इतने आप सब पधारे हैं तो उन आयोजकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत उनका अभिनंदन जरूर करना चाहेंगे और उनका हौसला अफजाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इस तरह का आज के समय में आज के इस वातावरण में जहाँ पूरी दुनिया में हिंसा और आतंकवाद को जिस तरह से आज दुनिया एक दृष्टि से देख रही हो जिसमें हिंसा का जो बोलबाल पूरी दुनिया में चल रहा है इस समय शांति की एकता की बात करना अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है मैं आज समझता हूं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जो कार्यक्रम की जो भावना है आज हम अलग अलग सभी धर्मों के यहाँ जो अलग अलग लीडर हैं अलग अलग उनके फॉलोअर्स हैं जो अपने अपने बात को किस तरह से हमारी समाज में एकता बनी रहे समाज में सामाजिक एकता बनी रहे सोसाइटी में एकता बनी रहे देश में एकता बनी रहे शांति बनी रहे तो ये कैसे प्रयास करें किस तरह से क्या करें तो ये समझ में हम सबको भली भांति आता है और हम अपने अपने तरीक़ों से हम प्रयास भी करते हैं पर कहते हैं ना एक चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है हम जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को कि अगर हम चाहें तो हम पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में हम शांति और अहिंसा की स्थापना कर सकते हैं पीस की स्थापना कर सकते हैं और इसके लिए हमें हम भगवान महावीर जो जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर जिन्होंने यूँ तो अनेक सिद्धांत दिए पर उनका एक सिद्धांत है अनेकांत तो श्यादवाद अनेकांत तो श्यादवाद का सीधा सीधा अर्थ इतना होता है कि हम जिस चीज को हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं ये हमारा हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं सामने वाला जिस दृष्टि से देख रहा है वो भी उस दृष्टि से देख रहा है तो उसकी दृष्टि में भी सही है और हम जिस दृष्टि देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि में वो सही है लेकिन तकलीफ कहाँ होती है तकलीफ यहाँ हो जाती है कि जब हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझते हैं सामने वालों की भावनाओं को हम जब तक नहीं समझते हैं तो वहाँ फिर हट होता है वो हट होता है तो बेमनस्ता बढ़ती है और बेमनस्ताएँ बढ़ती हैं तो उसमें अराजकता की स्थिति बनती है और धीरे धीरे ये जो आज एकाएक देखते हैं कि समाज में जिस तरह से अनेक लोग कट्टरता को लेकर धार्मिक भावनाओं को लेकर और इसमें जो अलग अलग हमारे देश में कई लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक हों या धार्मिक लोग हों तो कई लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि इसको उकसाना और अपना लाभ ले लेना लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए हमें अगर देश में और समाज में परिवार में एकता लानी है तो हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं है दो मिनट का टाइम है तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब मंथ में या हफ़्ते में हफ्ते में हो सके या मंथ में हो सके तो हम सोसाइटी मुंबई जैसे इतने व्यस्त शहर में रहते हैं अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं सबकी जहाँ एक दूसरों को बात करने का भी टाइम नहीं होता है ऐसे माहौल में हम सबको एक दिन कम से कम अगर हफ्ते में एक दिन निकाल सकें एक घंटा का टाइम निकाल सकें या एक मंथ में या एक महीने में कम से कम कुछ टाइम निकाल सके वहाँ बैठ के हम अभी हम स्वामी जी से ही डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह से आयोजन किया है हम लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो आयोजित होते हैं कार्यक्रम में शरीक होते हैं अपनी बात रखते हैं लेकिन एक मिनट मैडम बस और बात रखते हैं लेकिन हम सबको अपनी सोसाइटी में रहकर ऐसे छोटे चुट छोटे प्रोग्राम या मीटिंग है जो हम समाज में अगर घर परिवार में तकलीफ है या सोसाइटी में तकलीफ है या मोहल्ले में या शहर में तकलीफ है तो हमें उसको निराकरण करना चाहिए उसके जो द्वंद्द हैं उसकी जो शंकाएँ हैं हम एक दूसरों को अगर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित ही ये सॉल्यूशन हो सकता है और हम लोग अभी आज से इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा जरूर लेके जा रहे हैं सर आपने जो हमेशा इतने अच्छे कार्यक्रम करते हैं मैं आपके दूसरी बार आया हूँ आपके कार्यक्रम में और यहाँ से एक प्रेरणा ज़रूर लेके जाऊँगा हम और स्वामी जी ने एक ये लिया है कि हम हर महीने हर मंथ में जो लास्ट संडे होगा हम उसमें एक ऐसा एक सामाजिक जिसमें सभी लीडर आर रिलीजन्स के लीडर होंगे और हम हम इसमें एक डिस्कशन करेंगे एक पैनल रहेगा कैसे हम समाज में अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उसमें डिस्कशन करके समाज में एक अच्छाई जो जिस रिलीजन का है वो माने अपने रिलीजन कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब हम अपने रिलीजन को और बेहतर से बेहतर अपने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी और इसे प्रयास करना चाहिए ओम नमः थैंक यू धन्यवाद स्वामी जी स्वामी जी ने बताया कि अगर कोई समाज में अगर परेशानी और इस तरह का भेदभाव पैदा करना चाहता है तो वो कर सकता है और अभी हम देख रहे हैं अभी जो यूपी में एक सर्कुलर निकारा है कावड़ियाँ जो जा रहे हैं उनके उनके वहाँ पे जो स्टॉल लगाते थे खाने के स्टॉल लगाते थे उनके इसमें एक सर्कुलर निकारा है कि लोगों को अपने नाम और वहाँ पे उस स्टॉल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के नाम आज तक कांवड़िया कावर तो बहुत सारे प्रदेशों में चल जाते हैं लोग बहुत सारे प्रदेशों से लेके जाते हैं लेकिन कभी भी इस तरह की धार्मिक कम्युनल रायट्स होने की कोई भी कभी भी सुना नहीं गया था और अभी इस तरह का जो आ, ये है आ, माहौल एक ज़बरदस्ती फैलाने की बात की जा रही है ये एक सर्कुलर से क्योंकि आप कावड़िया शायद मुसलमान नाम देख के या दलित नाम देख कर के उन लोगों के स्टॉल्स से नहीं खाएंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी लोगों का नुकसान करने का और कौमवाद फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा अपहिल टास्क हो जाता है कि हम कैसे सद्भावना बना के रखें धन्यवाद